अरे मोहन, क्या कर रहा है? अरे फिल्मी मोहन, अच्छा हुआ तो आ गया यार। ये दिनेश कार्तिक क्या टैलेंटेड आदमी है यार। मतलब अभी अभी रिटायर हुआ क्रिकेट से, अच्छा क्रिकेट खेलता था, अभी कमेंट्री कर रहा है और एक्टिंग भी शुरू कर दिया है। क्या एक्टिंग? कौन सी मूवी देख ली भाई तूने? हसीन दिलरुबा, उसमें तापसी पन्नू का पति बना है। अरे वो दिनेश कार्तिक नहीं है, वो है विक्रांत मैसी। दाढ़ी में पता नहीं चला। एक बात पता, तू तो मूवी नहीं देखता, आज कैसे देख ली? आज मैं पूरा वेला बैठा था, पूरा मतलब कोई काम नहीं था। ओह, इसलिए मैंने सोचा कुछ मूवी देख लेते हैं। तो आज तू रिव्यू दे। अच्छा मैं दूं? ठीक है। पहले ही सीन से धमाका, और तापसी पन्नू जेल में, वो इंस्पेक्टर तो पूरा का पूरा एकदम लगा पड़ा था कि तू ही खूनी है, तू ही खूनी है, तू ही खूनी है। मुझे लेकिन लग रहा था कि नहीं, ये खूनी वो, मतलब सोचो इतनी इतनी सुंदर लड़की कैसे खून कर सकती है। फिर जो है ना मूवी, वो फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे दिखाता है कि रानी का शादी होता है ऋषु से, लेकिन उन दोनों में कुछ हो नहीं पाता है। क्या हो नहीं पाता? अरे मतलब प्यार नहीं हो पाता है। मतलब ऋषु जो है वो बहुत ही सीधा साधा सा आदमी है, होम्योपैथी करता है, इंजीनियरिंग की है, लेकिन अपनी रानी को जो है ना, उसको ऋषु नहीं पांडव चाहिए था। पांडव? अरे मतलब ऐसे क्वालिटीज जो पांच पांच लड़कों में हो। फिर? फिर क्या, फिर नील आता है, मतलब हर्षवर्धन। नील जो है वो दूर का रिश्तेदार होता है ऋषु का, लेकिन वो बहुत करीब आ जाता है रानी के, और उन दोनों में टिंचू टिंचू टैं टैं हो जाता है। अच्छा, पर ऋषु के साथ बहुत बुरा होता है, दोनों मिलके उसकी मतलब बर्बाद कर देते हैं उसके लाइफ को। ही इज़ लाइक, हमको तो अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ रानी कम था। रानी? मतलब पानी कम था। अच्छा, फिर कहानी जो है वो आगे बढ़ती है, ऋषु और रानी के बीच क्या होता है, फिर ऋषु का मर्डर कैसे होता है, रानी जेल जाती है या नहीं, वो सब दिखाया है मूवी में। अच्छा, सस्पेंस कैसा था? अरे भाई सस्पेंस ऐसा था जिसको देख के मैं तो हंस पड़ा। अरे सस्पेंस तो मुझे पहले ही सीन में पता चल गया था, अगर कोई गौर से देखेगा ना तो उसको पता चल जाएगा सस्पेंस क्या है और मर्डर किसने किया है, वो सब पता चल जाता है। अच्छा, किसकी एक्टिंग तुझे अच्छी लगी? एक्टिंग तो भाई सबने ही बढ़िया किया है, सब अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन हमको तो बढ़िया लगा जो ऋषि की माँ बनी थी, उनका नाम था यामिनी दास। उनका रोल थोड़ा और ज़्यादा होता तो थोड़ा मज़ा आता, एकदम अच्छा लगता। उनका जो डायलॉग डिलीवरी है, जो कॉमिक टाइमिंग है, मुझे मुझे बढ़िया लगा। अच्छा ये बोल, लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं? अच्छा ये मैं ऑडियंस को बोल देता हूँ, भाई लोग अगर वेले बैठे हो तो ये मूवी देखो, अगर कुछ ज़रूरी काम है तो अपना काम करो।